यो गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं जाने वाला हूं नोएडा के गार्डन गैलेरिया। वहां पे जो है ना एक पूरा एरोप्लेन बना हुआ है गाइस, एंड उस एरोप्लेन में जो है ना रेस्टोरेंट है। तो गाइस आज मैं पूरा उसका रिव्यू करने वाला हूं। एंड वहाँ पे आज तो मैं खाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, आज मैं सिर्फ वहाँ का वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। बाकी वहाँ पे मैं जाने एक दिन खाने खाने के लिए भी जाऊँगा जब भाई थोड़े पैसे वैसे जमा करके, ठीक है। बाकी मैं जब वहाँ पे जा रहा हूँ एंड उस एरोप्लेन में रेस्टोरेंट है, उस पूरा रेस्टोरेंट का मैं वीडियो आज बनाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो में इंजॉयमेंट करते हैं। भाई सभी तो हम साइकिल से आ रहे थे, बट अभी भाई थोड़ा साइकिल चढ़ाते हम थक के नीचे। देखो भाई नीचे पूरा हम निकल रहे हैं अभी अंडरपास से, एंड यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा वो रहता है यार, साइकिल में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हम थोड़ा उतर गए साइकिल से। भाई अंकुर भाई इधर देखो भाई, मेरे साथ दोस्त भी आए अपना। अरे अंकुर भाई कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो सुन लो यार भाई, जनता को एक बार हेलो तो कर दो यार। हेलो, मैं गार्डन क्लियर जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ सारे एक बार में। बहुत रिस्क ले रहे, देखो छू छू के गाड़ियाँ निकल रही है। हाँ भाई थोड़ा यार साइकिल क्या करें अब। बाकी चलो हम चलते हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं गार्डन गैलेरिया। बस 2 सेकंड की और दूरी रहेगी, उसके बाद चलेंगे। एंड वहाँ पे भाई एरोप्लेन के अंदर आज तो नहीं खाना खाएंगे, पर भाई एक दिन जरूर खाएंगे खाना। क्यों भाई आओगे ना? आपको जरूर दिखाएंगे बिल्कुल भाई। भी अभी अभी सिर्फ वीडियो बनाने जा रहे हैं, बाकी आपको भी यहाँ का रेट वेट पता चल जाएगा क्या रेट है, समझ रहे हो ना? हम आपके लिए पूरा पूछ के आएंगे क्या रेट है। बस मस्त प्लान है। हम घुस चुके हैं भाई जहाँ हमको आना था, पीछे मेरे सामने बिल्कुल गार्डन गैलेरिया, एंड इधर आ गया भाई अपना एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट। ये रहा गार्डन गैलेरिया, ठीक है। पेट्रोल डलवाऊं? पेट्रोल डलेगी इसमें, डालो अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस ये है गार्डन गैलेरिया, इधर है भाई सबसे बढ़िया वाला। एंड भाई ये देखो इधर आ गया भाई अपना एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट। अब कहाँ जाऊँ? आगे चलो थोड़ा, ये देखो ये भाई अपना रेस्टोरेंट, अभी तो शायद ऑफ है यार, अरे गलत समय पे तो नहीं आ गए। आगे चलो, आगे इसके आगे चलो, ये देखो लेफ्ट ले लो लेफ्ट, ये देखो ये भाई असली एरोप्लेन है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है। ये देखो भाई मेरे पीछे जो है पूरा भाई ये ओरिजिनल एरोप्लेन है, एंड इसके अंदर रेस्टोरेंट है, बट अभी जो है ये ऑफ है, देख सकते हो अभी बंद है यार। बाकी फिर भी जानकारी ले लेते हैं किसी से कब कब ये खुलता है, चलो देखते हैं। इसका टिकट काउंटर है, यहाँ से बोर्डिंग पास लिखा हुआ है, मतलब भाई यहाँ पे फील आपको पूरी ओरिजिनल एरोप्लेन वाली आने वाली है। एंड यहाँ से आप देख सकते हो जो भी साइड से आपको दिख रहा है ये भाई एरो रेस्ट्रो, एंड ये है पूरा यहाँ का ये रेस्टोरेंट। अभी क्या करूँ मैं, कहाँ से जाऊँ इसको समझ नहीं आ रहा। ये भी ऑफ है, मुझे पता नहीं था कि अभी ऑफ रहता है। बाकी देखो ये है पूरा यहाँ का सीन, देखो ये एरोप्लेन है अंदर। और भाई क्या ही दिखाऊँ अभी मैं आपको यार, चलो कुछ और जब तक घूम लेते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए लाया था यार, वो तो यार बंद है यहाँ पर भाई, यहाँ पे अभी भी काफ़ी कुछ है भाई। यहाँ पे है एक जो भाई आसमान में ले जाके जिसपे हम भाई खाना खाते हैं, काफ़ी मतलब अलग अलग यूनिक यूनिक चीज़ें हैं। चलो चलो वहाँ पे ले चलो यार, वहाँ पे तो भाई आपको दिखाता हूँ उसमें क्या होता है भाई, कि एक क्रेन के द्वारा आपको मतलब बहुत ही ऊँचाई पर ले आके वहाँ पर भाई खाना मतलब खाने का सिस्टम है। चलो हम यहाँ पर आ चुके हैं, आपको दिखाता हूँ एक बार इसको पास से कि कैसा है ये। तो गाइस ये देखो भाई, ये है भाई वो रेस्टोरेंट, ये देखो कितनी मतलब हाईएस्ट इसकी ऊंचाई है, देखो ये देखो ये ऊंचाई, और भाई आसमान की ऊंचाई पर ले जाके भाई इस पर खाना खाते हैं भाई, लोगों के क्या शौक़ होते हैं। देखो ये वाला है आपको दिखाता हूँ पहले, एक क्रेन कैसा है देखो, ये काफ़ी मतलब भार वाला क्रेन यहाँ पे लगाया हुआ है भाई, कोई नॉर्मल वाली क्रेन नहीं है, आप देख सकते हो काफ़ी मतलब यहाँ पे खर्चा तो है यार। बाकी इसका भी अलग ही एक मज़ा होगा भाई डिनर का, क्यों अंकुर भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो भाई कितना तगड़ा, इधर आओ यहाँ से देखते हैं, देखो ये भी पूरा बंद है ये, एंड इसके अंदर है भाई लोग बैठते हैं, एंड इसके अंदर फिर ऊपर जाती है, देखो ये बिल्कुल ऊंचाई पे देख रहे हो ऊपर जो खंभा है इसके, तो इतना ऊंचा लेके जाते हैं भाई, इसमें सारे लोग खाना खाते हैं बैठ के, मतलब यार क्या क्या है भाई इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी चीज़ है भाई देखो। और इस क्रेन से जो है ये उठता है, देख सकते हो इसका नाम है भाई फ्लाई डिनिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अंदर सारे लिखे हुए हैं फ्लाई डिनिंग डिनिंग फ्लाई डिनिंग, मेरे को इसका नाम नहीं पता था ओरिजिनल में, आज पता चल गया इसका नाम है फ्लाई डिनिंग। एंड भाई देखो यार मतलब आसमान की ऊंचाइयों पर खाने का अलग ही मज़ा होगा भाई, जो कि मज़ा यार यहाँ के लोग उठाते होंगे, काफ़ी महंगा इसका भी खर्चा होगा भाई। अंकुर भाई पूछ क्या हो गया यार, क्या 200 रुपये चलते बस 200 रुपये? भाई क्या बात है, देखो ये लौटना भाई 200 रुपये, अरे 200 रुपये में, अरे 200 रुपये में थोड़ी देर बैठ तो जाएंगे 200 रुपये में बैठने भी ना दे तुझे, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो अंकुर भाई क्या बोलते, इसमें कभी खाना वाना खाने का मन है आपका?
पहले कमाऊंगा फिर खाऊंगा। अरे कमाओगे तो सोचो जब आसमान की ऊंचाई से नीचे देखोगे खाना उड़ के नीचे गिर जाएगा। मैं खाना कम खाऊंगा नीचे ज्यादा देखूंगा। तो भाई यार सही है यार, खतरनाक होगा भाई यहाँ पे खाना भी खाना। देखो यार मतलब ऊंचाई देखो भाई काफी ज्यादा, ये हाईएस्ट ऊंचाई होती है मुझे लग रहा है भाई। कितना एक बार और दिखाओ भाई, मुझे लग रहा है 3-4-5 मंजिल का कितना तो होगा ही, क्या बोलते हो? 3-4-5 नहीं 6 मंजिल तक सोचो भाई, 6 मंजिल। अंकुर भाई यहाँ पे अनुमान लगा रहे कि भाई 6 मंजिल, तो भाई 6 मंजिल काफी ज्यादा। मैंने cos थीटा sin थीटा लगा के मैंने हिसाब लगाया 6 मंजिल तक का है। इन्होंने भाई कॉमर्स मैथ सारी सब्जेक्ट इन्होंने ले लिया बारी में भाई, गजब। चलो ठीक है यार बाकी चलते हैं भाई। लेकिन यार इसको चलाने वाला भी भाई क्या बंदा होगा यार, जिसको उठाता होगा उसकी भी भाई डर लगा रहता होगा कहीं कहीं। बिल्कुल भी सीट बेल्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत। अरे सीट बेल्ट होगा यार, कोई बात नहीं। कहते तो भी इंसानों को ऐसे डरा देगा तो कोई आएगा भी नहीं फिर यहाँ। आ जाओ थोड़ा और यहाँ पे, मतलब बहुत सारे भाई यहाँ गार्डन गलेरिया में इतने सारे मतलब यहाँ पे है ना घूमने के, कि भाई आप घूम घूम के थक जाओगे पर भाई आप मन नहीं भरेगा घूमने से। तो यहाँ पे देखो और भी कुछ है, चलो यहाँ पे भी थोड़ा कैप्चर करते हैं। देखो ये यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट और बार है, यहाँ पे ज़्यादा जाता है बार और रेस्टोरेंट। गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, लोकल। ओ भाई लोकल यहाँ पे भी, ये कोई रेस्टोरेंट है देख सकते हो, मतलब यार एक से बढ़कर एक यहाँ पे भाई, क्या बताऊँ आपको, मस्त मस्त चीज़ें हैं। देखो आखिर और भी यहाँ पे है कई सारे यहाँ पे फूडी एरिया, यहाँ पे नाइट में काफ़ी भीड़ रहती है। अभी दिन में तो भाई यहाँ भीड़ नहीं होती ज़्यादा, पर नाइट में बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। देखो इधर भी यहाँ पे मसिया वर्ल्ड्स ऑफ वंडर टिकट टॉडी, यहाँ पे शायद गेमिंग एरिया आ गया है थोड़ा। सामने देखो, आपको सामने दिख रहा होगा वो, देखो वहाँ पे दिख रहा है वेव मॉल और उसके पीछे है वेव वन। यहाँ पे बच्चों के लिए है कुछ वर्ल्ड्स ऑफ वंडर टॉडी गेमिंग का, यहाँ कुछ प्लेटफॉर्म है ये। ये है यार देखो क्या है, अप्पू घर। तो भाई ये है कुछ यहाँ का वाइब्स, यहाँ पे भाई काफी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। गाइस देखो एक और रेस्टोरेंट हमें दिख गया भाई, ये रेस्टोरेंट है कि क्या है हमें भी नहीं पता। एरोप्लेन ब्रो, ओहो ओहो वही वाला है पता नहीं यार, किट जैनिया। ये तो घुसते इसमें, इसमें तो टायर्स भी लगे हुए हैं, टायर निकाल लूंगा मैं स्कॉर्पियो में। फिर देखो भाई हम यहाँ पे आए थे एंड यहाँ पे देखो भाई फोटो वोटो ले लेंगे पहले। ये देखो भाई यहाँ पे फिर से एक एरोप्लेन दिख गया, तो ओरिजिनल एरोप्लेन का भाई पहिया वहिया लगा दिया फोटो में लगाएंगे। देखो अंकुर भाई कह रहे भाई इस पहिए को भाई ऑटो में लगाया जाए, क्या कहते हो, ऑटो में लगा दोगे? हाँ लगा देंगे। ये गजब, आओ भाई। और भाई हमने देखा नहीं कभी एरोप्लेन के भाई नीचे क्या होता है। दूर रहो दूर रहो। कैसे कैसे एरोप्लेन गिर सकता है? अरे आराम से आ जाओ। ओ भाई ये देखो कुछ इसका इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, एरोप्लेन का पहिया भाई छू के देख भाई। बॉक्सर का पहिया लगा रखा है बॉक्सर का। ये देखो ओरिजिनल एरोप्लेन का भाई थोपड़ा है, थोपड़ा आगे का थोपड़ा। ये देखो भाई इस तरह का होता है यार, हमने खुद पहली बार देखा है, क्या बोलते हो? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। ये जो आप देख सकते हो गाइस एरोप्लेन है ना भाई, मैं बताऊं जैसे कि हमारा गाड़ी कोई बाइक होता है उनका जैसे कि यहाँ पे 15 साल चलाने का लिमिट है, उसी तरह से जो एरोप्लेन होता है इनके भी लिमिट होते हैं चलाने की। तो जब उनका समय खत्म हो जाता है ना, जब एक्सपायर हो जाते हैं या फिर कुछ खराबी हो जाती है, तो उस तरह से मतलब वो कबाड़ में जाती है। तो ये लोग क्या कहते हैं खरीद लेते हैं सरकार से लेके अनुमति। और आप ये देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है, आगे जो यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ है एंड फव्वारे के बाद यहाँ पे भाई देखो गार्डन गलेरिया भाई मस्त जगह है। देखो यहाँ पे देखो लाइट भी चल रही है ग्रीन कलर की, कैमरे भी यहाँ लगे हुए हैं www.kizania.in। देखो बढ़िया यार काफ़ी मस्त है, अंदर तक है पर भाई अभी अंदर आपका भाई जा नहीं पाएगा। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, दिख रहा है क्या मैं आपको? गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक करो यार वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। ये इस बार बहुत अच्छी वीडियो है। मेहनत तो भाई हर वीडियो में होती है, बस यार वायरल नहीं होती कोई। ये देखो भाई यहाँ पे आ चुका है जो यहाँ पे जो रेसिंग वाली कार होती है ना उसका, यहाँ पे आ चुका है ग्राउंड। वहाँ रेसिंग कार चलती थी, यहाँ मेरी साइकिल चलती है। ये बात सही कह रहे हो। देखो यहाँ पे भाई सारी गाड़ियाँ चलती हैं, चलो अंदर चलते हैं। ये देखो अभी ट्रैक रेडी हो रहे हैं यहाँ चलने के लिए कार्स। भाई पैसा है ना तो इन्जॉयमेंट बहुत है, देखो ये सारे यहाँ पे वही है। अब अंदर का तो शायद बंद होगा हमारे लिए एंट्रेंस।
देखो वहाँ पे दूर भाई गाड़ी खड़ी है, देखो वो वाली रेसिंग वाली, देखो जो इस ट्रैक पे चलती है ये रही गाड़ी। यहाँ पे फवारे लगे हुए हैं एंड अंदर जो है रेसिंग होती है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे अंकुर भाई खड़े हैं साइकिल लेके, हमारी धन्नू। क्यों भाई कैसा लग रहा है यहाँ देख के, क्या मन कर रहा है साइकिल चलाओगे? हाँ अंदर बस ये जाल खुलवा दो एक बार। कुत्ता बना दूंगा साइकिल। अरे गजब। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? सब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे किडजैनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम यहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं। बाय बाय भाई, अपनी साइकिल भी बिल्कुल रफ्तार पकड़ चुकी है। यहाँ पे एक चलो चलो आ जाओ, देखो ये बैरिस मून बार लाउंज, ये देखो यहाँ पे क्या है, सुत्रा बिस्की अफेयर कॉकटेल बार। गाइस यहाँ पे मतलब फुल इन्जॉयमेंट है यार, देखो मतलब जो इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मतलब हर एक चीज़ की यहाँ वैरायटी है। एक चीज़ यहाँ ये देखो भाई, जो घर है ना ये ईंटे से बना हुआ है, देखो ईंटे से, इस पर जो ना प्लस्तर नहीं हुआ है। इसका मैं आपको एक लॉजिक बताऊं, अगर मान लो कि ये हमारे अगर गांव में है तो भाई गांव में पता है लोग क्या बोलेंगे, भाई इसमें पैसे वैसे नहीं है इसलिए इसने घर है, मतलब प्लस्तर करवाने के पैसे नहीं है। और गाइस अगर देखो यहाँ पे अगर इस तरह का ये देखो कुछ बना हुआ है तो भाई यहाँ मतलब इसको यार लुक कहते हैं, एक लुक। और गांव में अगर वैसा तुम्हारा घर है तो भाई बोलेंगे भाई पैसे नहीं है प्लस्तर करवाने के। बाकी देखो यार काफ़ी मस्त यहाँ पे भी सीन है, देखो सुत्रा एंड यहाँ पे मंदिर आ गया टेम्पल। ओ भाई अंदर देखो, भाई बाहर है देखो भाई, अभी गाने वाने बज रहे हैं अंदर, सीन से हिल रहे हैं ऊपर के। देखो यहाँ पे मंदिर आ गया छोटा सा, नव दुर्गा मंदिर, मुझे पता नहीं था भाई यहाँ पे मंदिर भी है टेंपल भी मिल गया। जय माता दी, जय हो माँ शेरा वाली, जय हो। गाइस देखो यहाँ पे टेंपल भी मिल गया हमें, जय माता दी। गाइस आ गया भाई गार्डन गैलरी, यार देख सकते हो भाई यहाँ पे गाने वाने बज रहे हैं यार, कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो गार्डन गैलरी आ गए हम, गार्डन गैलरी भाई सामने सेंटा बाबा, इनके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। चलो गार्डन गैलरी आ चुके हैं गाइस, आप देख सकते हो पीछे मेरे सब पूरा गार्डन गैलरी है एंड अभी हम अंदर जा रहे हैं। क्यों ब्रो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है अंकुर भाई, भाई पहली बार यहाँ पे आया है, हम भी मतलब ये मेरा दूसरा टाइम है, बस यहाँ पे घूमने वूमने के लिए आते रहता हूँ देखो। पर भाई ये वाइब्स यार पूरी मतलब पार्टी साटे वाली वाइब्स यहाँ रहती है हमेशा भाई, ऑल टाइम पार्टी साटे वाला वाइब्स रहता है देखो गार्डन गैलरिया। ये हमारा गार्डन गैलरिया, ये देखो भाई गार्डन गैलरिया हमेशा की तरह आज भी भाई यहाँ पे खाली है, पर ये खाली सिर्फ दिन में रहता है, रात में पूरा भरा रहता है। चलो चलते हैं, क्या करेंगे यार घूम के, यार यहाँ कुछ घूमने के लिए है नहीं, जो भी है भाई DLF में है या तो GIB में, यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने वूमने का नहीं है। चलो फटाफट से चलते हैं हम भी, हम यहाँ पे बताओ किस चीज़ के लिए आए थे अंकुर, हम यहाँ किस चीज़ के लिए आए थे और हम क्या क्या घूम रहे हैं बताओ। या मसाज वाला देखो, यहाँ मसाज होता है, इस पर कुछ नहीं कराना, सीधा निकलना। यो गाइस अब हम गार्डन गैलरी सब जा रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो भी वीडियो बनाई थी थोड़ी बहुत हमने बना लिया, अब हम जा रहे हैं घर ठीक है। बाकी अभी भी हम कहीं किसी कोई जगह पे जाएंगे तो वहाँ का मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ठीक है। बाकी अगर वीडियो अभी तक आपको बढ़िया लग रही है जरूर से वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लग रही है। यार बार बार एक ही बात कह रहा हूँ भाई, कमेंट जरूर क्रिएट करो वीडियो में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलो अब चलते हैं यहाँ से बाहर भाई, बहुत घूम लिया गार्डन के लिए, चलो अब चलते हैं भाई। ये देख सकते हो भाई पीछे जो है इसका भाई गेट खुल चुका था एंड हमने जो यहाँ पे जानकारी ले ली, पर उस समय यार हमको अच्छा नहीं लगा था वीडियो बनाने में, जिस कारण से हमने भाई वहाँ पे वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें सिर्फ एंट्री का, अगर आप सिर्फ यहाँ पे अगर इसका अंदर जाने का अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 rupees लगेंगे एंड अगर मैं आपको बता दूँ अगर आप यहाँ पे खाना खाना चाहते हैं तो आपको 250 rupees लगेगा ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर कुछ खाएंगे तो उसके ऊपर से इसमें ऐड हो जाएंगे रुपीज़, और आपका जो है अगर इसमें खाना खाना चाहते हैं इसमें सिर्फ 250 rupees खाना खाने का है। तो गाइस मैं जब अभी आ रहा था तो ये ओपन हो गया था, मैं सोचता कि यार इसका क्यों, जब मैं इसके लिए स्पेशल यहाँ पे आया था तो इसकी वीडियो क्यों ना बनाऊँ ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो एयरप्लेन का रेस्टोरेंट है इसमें आप 250 rupees में खाना खा सकते हैं, जी हाँ गाइस आपको बता दिया मैंने एंड 100 rupees आप यहाँ इसमें अंदर सिर्फ घुसने का है, ऐसे मजे वजे लेने का है ठीक है, 100 rupees चार्ज है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो जरूर से वीडियो को अभी लाइक कर दो यार एंड अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो यार बहुत ज़्यादा इसको शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के पास भेजो और क्या ही, और चैनल को यार फैलाओ थोड़ा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।
और मैं वीडियो की एंडिंग करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो की एंडिंग आ गई है भाई, बाय बाय कर दो, वीडियो खत्म होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।